नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो से बता रहा हूं कि जैविक घड़ी के अनुसार अपनी जो जीवन शक्ति होती है किस समय कहां पर होती है, जिससे कि अपने जो दैनिक दिनचर्या है भोजन का काम करने का वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वह सरल ढंग से हो सके। दोस्तों, मैंने आपको 3 से 5 बताया, दोस्तों 5 से 7 बताया, 7 से 9 बताया, 9 से 11 बताया, 12 बजे के बीच का समय बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको 1 से 3 बताया, 3 से 5 बताया दोस्तों, 5 से 7 बताया। आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1 मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 7 से 9 के। दोस्तों, इस समय जो जीवन शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है, इस समय पर मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है, अतः प्रातःकाल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है। आधुनिक अन्वेषण से भी इसकी पुष्टि हुई है दोस्तों, जो आज का विज्ञान है इसकी पुष्टि किया हुआ है। रात्रि 9 से 11 की बात किया जाए दोस्तों, इस समय जो जीवनी शक्ति होती है विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरु रज में होती है। इस समय पीठ के बल या बाह्य करवट लेकर विश्राम करने से मेरु रज को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर व बुद्धि को थका देती है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह तक जठर में पड़ा रहता है, पचता नहीं है। उससे सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं और अम्ल एसिड के साथ आंतों में जाने से रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस समय भोजन करना खतरनाक होता है। दोस्तों, रात्रि के 11 से 1 जो होता है, इस समय की जो जीवन शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है व बुढ़ापा जल्दी रहता है। इस समय पर नई कोशिकाएं बनती हैं। रात्रि 11 से 1 का मैंने आपको बताया दोस्तों, अब मैं बताता हूं दोस्तों रात्रि 1 से 3 के बीच में। रात्रि से 1 से 3 के बीच में इस समय की जो जीवन शक्ति होती है विशेष रूप से लीवर में होती है। अन्न का सूक्ष्म पाचन करना यह यकृत का कार्य करती है। इस समय का जागरण यकृत यानी लीवर का पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। इस समय यदि आप जागते रहते हो तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है, दृष्टिमंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती है, अतः इस समय सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अनुसार जो भी मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया, जैविक घड़ी के अनुसार जीवन शक्ति का मैंने बताया, तो यह अगर हम अपने दैनिक जीवन में पालन करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो भी हमारे फालतू खर्चे बीमारी में होते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक टेंशन होते हैं, अगर इन क्रियाओं का हम पालन करते हैं तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे अंदर स्फूर्ति रहेगी, हम चेतनावान रहेंगे, जो भी कार्य करना होगा बहुत बुद्धिमानी ढंग से हम कर सकते हैं। बस करना इतना ही होगा दोस्तों कि हमें अपने आलस को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आलस का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उड़ सकते हैं। क्योंकि शास्त्रोचित अगर मैं बात करूं, शास्त्र भी कहता है और हमारा विज्ञान भी कहता है, दिमाग एक ऐसी चीज है, दिमाग से आप जितना मांगोगे, जितना पूछोगे, दिमाग आपको उतना बताएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और जैविक घड़ी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा जीवन मंगलमय होगा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार।